आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। गोंगयो न्यान को गुस्से में कॉन्फ्रेंस से बाहर खींच कर लाता है और पूछता है, तुम कॉन्फ्रेंस में क्या बके जा रही थी? तुम्हें पता है आज की कॉन्फ्रेंस कंपनी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी? न्यान, तुम्हें तो अटेंशन चाहिए ना बस। गोंगयो, तुम्हें अचानक से हो क्या गया है? तुम ब्रेकअप की बात क्यों कर रही हो? तुमने मेरा 4 साल तक वेट किया है, फिर अचानक ब्रेकअप क्यों? नियान, तुम मेरे लिए वापस आए हो या इसलिए मेरे साथ रहना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारा 4 साल तक वेट किया है? गोंगयो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ पूरी तरह ठीक होकर। नियान, तुम पहले वाले गोंगयो नहीं हो। जिस गोंगयो को मैं लव करती थी वो हमेशा मेरी सोचता था, मुझे कभी इग्नोर नहीं किया। गोंगयो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अब तुम्हारी चिंता नहीं है? नियान, पहले वाला गोंगयो मुझे लव करता था, ना कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचता था। उसे तो मेरे बैकग्राउंड से भी फर्क नहीं पड़ता था। और गोंगयो, जब से तुम वापस आए हो तुमने एक दिन भी अपने सन होली के साथ खाना तक नहीं खाया। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, इसलिए तुम अपना लॉयर तैयार रखना। नेक्स्ट डे कुछ लॉयर्स नियान से मिलने आते हैं। नियान को समझ नहीं आता कि इन्हें किसने भेजा है। लॉयर, हमें मिस्टर वाई ने भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके बच्चे की कस्टडी मिले। नियान सोचती है, मैं मिस्टर वाई से कभी मिली नहीं, फिर भी वो मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद नियान से मिलने मिस्टर वाई की सेक्रेटरी यूई आती है और वो नियान को गिफ्ट देती है जो मिस्टर वाई ने उसके लिए भेजा है। नियान वो लेने से मना कर देती है क्योंकि वैसे ही वो उसकी बहुत हेल्प करते हैं। यूई, मिस्टर वाई ने इसको चूज करने में काफी टाइम स्पेंड किया है, इसलिए आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो। तो नियान गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और यूई से मिस्टर वाई को थैंक्स कहने को कहती है लॉयर भेजकर उसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट नियान होली को गोंगयो के यहाँ भेजती है क्योंकि लॉसूट फाइल करने से पहले होली को 5 दिन गोंगयो के साथ रहना पड़ेगा। फेंग होली को लेकर गोंगयो के पास पहुँचता है। गोंगयो फेंग से कहता है कि वो फोटोग्राफर को बुलाए जो उसके होली के साथ ऐसे फोटोज क्लिक करे जिससे लगे कि डैड और सन के बीच अच्छी रिलेशन है। फेंग, गोंगयो क्या तुम सच में नियान से ब्रेकअप कर लोगे? गोंगयो, मैं उससे ब्रेकअप करना नहीं चाहता बल्कि वो चाहती है और होली की कस्टडी भी, इसलिए मैं उसे हरा कर ही रहूंगा। डिनर के टाइम फोटोग्राफर गोंगयो और होली के फोटोज क्लिक करता है। होली पूछता है, डैड क्या आप सच में मॉम से ब्रेकअप कर लोगे? गोंगयो, बिल्कुल नहीं, अगर वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो मैं उसे छोड़ थोड़ी ना दूंगा। नेक्स्ट डे जब गोंगयो मीटिंग में होता है तो नियान कंपनी जाती है और उसके ऑफिस में जाती है गोंगयो की मेडिकल रिपोर्ट देखने, जिससे वो ये जान सके कि आखिरकार मोना ने गोंगयो को कैसे ट्रीट किया है जिससे वो इतना रूड हो गया। नियान को गोंगयो की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है। उसे पता चलता है कि 6 महीने तक तो मोना ने गोंगयो को अंडरग्राउंड रखा, बहुत टॉर्चर किया। मोना ने ट्रीटमेंट के टाइम गोंगयो को बहुत परेशान भी किया, पर गोंगयो सिर्फ नियान का नाम लेता रहा। तभी मीटिंग अटेंड करके गोंगयो वापस आता है। नियान को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नियान भागकर उसे हग कर लेती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे नहीं पता था तुमने इतनी हार्डशिप फेस की है। गोंगयो, जिस गोंगयो ने हार्डशिप फेस की है वो पास्ट में है, इसलिए उसके सामने जाकर रो। नियान, सॉरी मैं गलत थी, अब मैं तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहती। गोंगयो, जब तुम्हारा मन किया था तुमने ब्रेकअप की कह दी और जब मन किया तब मना कर दिया, क्या मजाक है? तुम घर जाओ और आराम से सोचो क्या करना है क्या नहीं। शाम के टाइम नियान अपनी एडिटर से मिलती है। एडिटर, क्या तुम सच में गोंगयो से ब्रेकअप करना चाहती हो? नियान, ऐसा नहीं है, मैंने ब्रेकअप की सिर्फ इसलिए कही थी जिससे गोंगयो थोड़ा टाइम फैमिली को दे, सारा टाइम सिर्फ कंपनी को ही नहीं देखता रहे। उसी टाइम वहाँ मिस्टर वाई आते हैं और वो नियान की सारी बातें सुन लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ मिस्टर वाई का फेस देख लेते हैं, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा। आप लोगों को याद आया ये कौन है? अगर पता है तो कमेंट्स करके बताएं, मैं तो आपको ड्रामा के लास्ट में ही बताऊंगी। बातों के बीच नियान की नजर मिस्टर वाई पर पड़ती है। मिस्टर वाई थोड़ा अपना फेस कवर किए होते हैं तो नियान फेस तो नहीं देख पाती, पर मिस्टीरियस होने की वजह से समझ जाती है कि ये मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया था, पर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। नियान, वैसे थैंक्स जो आपने मेरे लिए इतना किया। मिस्टर वाई, मैंने तुम्हारे लिए वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, पर अब मैं समझ गया तुम्हें और क्या चाहिए। फिर मिस्टर वाई वहाँ से चले जाते हैं। 5 डेज गोंगयो के यहाँ रहकर जब होली वापस नियान के पास जा रहा था तो रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है। नियान बहुत देर तक होली का वेट करती है। जब वो घर नहीं पहुँचता तो नियान बहुत घबरा जाती है। उसी टाइम नियान को किडनैपर्स का फोन आता है और वो नियान को होली की वीडियो भेजते हैं।
साथ में ये भी कहते हैं अगर होली वापस चाहिए तो गोंगियो के साथ शॉपिंग मॉल में आ जाओ। नियान गोंगियो को कॉल करती है, उसके पास ही वो वीडियो पहुंच चुकी होती है। वो नियान के पास पहुंचता है और दोनों जल्दी से मॉल जाने के लिए निकलते हैं। मॉल पहुंचकर किडनैपर उन्हें फिर से कॉल करके कहता है वो स्टैचू के पास जाकर खड़े हो जाएं, जो लवर का लैंडमार्क है। वो दोनों वहां जाकर भी खड़े हो जाते हैं। फिर अगेन कॉल आता है और किडनैपर कहता है अब तुम व्हाइट कार के पास जाओ जो मॉल के पीछे है। दोनों वहां भी पहुंच जाते हैं। अगेन कॉल आता है और किडनैपर कहता है अब तुम सामने वाली वॉल पर कुछ ड्रॉ करो जो बच्चों को पसंद हो। गोंगियो, क्या कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है? नियान, जो भी हो पर हमें होली के लिए तो करना ही होगा। दोनों ड्राइंग बनाते हैं। टास्क कंप्लीट होते ही किडनैपर उनसे कहता है अब वो दूर माउंटेन वाले विला पर जाएं। दोनों वहां भी पहुंच जाते हैं। उनके अंदर जाते ही डोर लॉक हो जाता है और एक बार फिर से किडनैपर कॉल करके कहता है आज रात तुम दोनों इसी विला में रहो, कल तुम्हें होली वापस मिल जाएगा। फेंग गोंगियो को बताता है कि उसने चेक किया कि कौन होली को ले गया है, पर किसी का फेस दिखाई नहीं दिया लेकिन किसी की वॉच दिखाई दी है। नियान जब वो वॉच देखती है तो समझ जाती है कि होली को मिस्टर वाई ने किडनैप किया है। उसे समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। गोंगियो, ये मिस्टर वाई कौन है? नियान, मुझे नहीं पता, बस वो मेरी गैलरी में आर्ट लेने आते थे, उन्हें मेरी आर्ट बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ हम मिस्टर वाई और होली को देखते हैं। मिस्टर वाई होली को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। रात के टाइम नियान गोंगियो को नाइफ पकड़े हुए देखकर डर जाती है और पूछती है तुम ये क्यों पकड़े हो? गोंगियो, क्योंकि मैं खाना बना रहा हूँ। नियान, ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें भूख लग रही है? गोंगियो, मुझे लगता है मिस्टर वाई के कुछ गलत मोटिव नहीं है। नियान, हाँ लग तो यही रहा है, वो होली को हर्ट नहीं करेंगे, क्या पता वो मुझे लाइक करने लगे हों। गोंगियो नियान की बात से जेलस होता है और कहता है इन 4 सालों में जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तो तुमने कितने मैन के साथ फ्लर्ट किया। नियान, तुम जेलस हो रहे हो? देन नियान गोंगियो के लिए नूडल्स बनाती है। नियान गोंगियो से कहती है आज जब तुम जेलस हुए तो मुझे लगा मुझे पास्ट वाला गोंगियो वापस मिल गया है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहती, क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दोगे? नियान गोंगियो को प्रपोज करती है। गोंगियो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है हाँ सिर्फ मैं ही तुम जैसी स्टूपिड वुमन को एक्सेप्ट करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों किडनैपर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें होली मिल जाता है। नियान और गोंगियो होली को ठीक देखकर खुश होते हैं। दूर से मिस्टर वाई उन्हें देख रहे थे। सेक्रेटरी यूई कहती है सर आप जाकर उन्हें अपना रियल मोटिव क्यों नहीं बताते? मिस्टर वाई, कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो खुश है, जब ये खुश होंगे तो मुझे लगेगा कि शियू भी खुश है। तो मिस्टर वाई गोंगियो का बड़ा भाई है, किसी को भी नहीं पता कि वो जिंदा है और ना ही वो किसी के सामने आते हैं। नियान और गोंगियो को फिर से एक करके मिस्टर वाई वहां से चले जाते हैं। नियान, इस वर्ल्ड में हर किसी की हैप्पीनेस अलग अलग होती है और मेरी हैप्पीनेस होली और गोंगियो के साथ रहने में है। फाइनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद नियान को एक हैप्पी फैमिली मिल जाती है। और इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड होता है। आई होप आप सभी को ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो।